देखो यहाँ मैं जयपाल सिंह आर्य ग्राम नगला साधान जिला यमुनानगर का रहने वाला हूं। मैं पिछले 7 वर्ष से गीता जयंती पे स्टॉल लगाता हूं। पहले जब हम शुरू में आए तो बिल्कुल ही एक नयापन था, और जब गुड़ का 24 रुपये किलो रेट था, केमिकल वाले का हमारा 80 रुपये किलो था, तो हम रात रात भर केवल 200-200 ग्राम का पैकेट बना के 20 रुपये में बेचते थे। और शुरू में तो हमें अधिकारियों ने बहुत तंग किया, एक दफ़ा सैम्पलिंग होगी और सैम्पलिंग से हमारा पर वो 40 दिन के बाद रिजल्ट सारा नंबर एक आया, हम उसमें पास हुए। तो उस समय इतना रुझान नहीं था, हमने जैसे हमारी गीता जयंती पे सेल होगी 1 लाख रुपए की, और इस समय तो 50,000 की हमारी 2 दिन में हो गई है, तो बहुत रुझान इस तरफ बढ़ रहा है। इस खेती का जो है स्वास्थ्य के लिए सही है, स्वास्थ्य के लिए नंबर एक है, जो व्यक्ति इसको खाएगा वो बीमार हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं 80 वर्ष की अवस्था में अभी 16 घंटे काम कर रहा हूँ। आज का नौजवान जो है ना, सुबह उठता इसलिए नहीं कि वो रात को केमिकल का भोजन खा के बढ़ता है, स्ट्रेस में आ जाता है, स्ट्रेस से उठेगा नहीं। क्या कुछ है आपके पास? मेरे पास इस समय 17 किस्म की सब्जी हैं, गुड़ है, शक्कर है, बासमती चावल है, और जीवाणु खाद है, वेस्ट डिकम्पोजर है, और मेरे पास मिट्टी का तवा है, एलोवेरा का जूस है, आंवले का जूस है, एलोवेरा की साबुन है, और एलोवेरा का शैम्पू है। इस प्रकार के सामान मेरे पास है। मेरे बहुत से शिष्य इस काम में लगे हुए हैं, लगभग 50 किसान। मेरा एक संस्थान है महर्षि दंत प्राकृतिक कृषि शिक्षण शोध संस्थान, इसमें 50 किसान काम कर रहे हैं। हाँ जी, जो यहाँ पे ऑर्गेनिक बिक रहा है, देखो मैं सारी शॉप वगैरह पे घूमा यहाँ पे, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो आजकल गांव से जो सामान आ रहा है, खेती का जो कुछ भी आ रहा है, मैं तो ये कहूँगा कि जहर ही आ रहा है, क्योंकि 4 दिन में कौन सा गोभी का फूल है जो तैयार हो जाता है? 4 दिन में गोभी का फूल तैयार करके 5वें दिन वो बाजार में आ जाता है, लोग उसको खाते हैं, फिर कहते हैं बीमार है, ये है वो है। मैं तो ये कहूँगा कि जैसे मैं यहाँ पे सारे में घूमा, यहाँ पे ऑर्गेनिक शॉप पे आया, यहाँ पे देखा कि गोभी का फूल उन गोभी के फूल से बहुत अलग है, सारी जो फसल है उस इनऑर्गेनिक खेती से ये ऑर्गेनिक खेती बहुत ही अलग है खाने में भी, और इसकी जो देखने में लग रही है ये देखने में भी कुछ अलग आ रहा है। अगर इनको खाने लग जाएँ, ऑर्गेनिक खेती करने लग जाएँ, गवर्नमेंट ऐसा कुछ अप्रूव कर दे, तो इन डॉक्टरों से, दवाइयों से, इनसे कुछ अलग हट के हम अपने शरीर को लाभदायक बना सकेंगे, अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रख पाएंगे, डॉक्टरों की लोड नहीं पड़ेगी। नरेंद्र कलालमाज, मैं धीरज बिष्ट हूँ, नैनीताल से आए हुए हैं। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा हमारे पास सारा ग्रुप महिलाओं के द्वारा तैयार, इसमें सारा ऑर्गेनिक, आपका बिना आपका केमिकल है, जो लोग पसंद किया जाए लोगों के द्वारा, एक बार यूज करके दोबारा हम सर हमारे पास पहाड़ी अदरक होगी, हल्दी होगी, पहाड़ी दालें प्रोडक्ट हैं, हब्स हैं, लेमन ग्रीन है, रोजमेरी है, 3 तरह की हमारे पास। हाँ, सेहत के लिए बिल्कुल सही है, कल से ही हमारी सेहत को नुकसान है, बहुत सारी बीमारियाँ हो रही है। रागी का आटा है, राहर भी उसको प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, कोरेकाना रागी। कुछ प्रोडक्ट लेके आए हुए हैं, कर है च्यवनप्राश वगैरह और देसी, तो लोगों का भी अच्छा रिव्यू जा रहे हैं। ये हमारा ऑर्गेनिक है पूरी तरह से, जो हमने अपने बिना उसके है, जैविक है, मतलब सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है लोग। हाँ जी।